एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन वह पास के गांव में एक किताब की पुरानी दुकान पर जाता है। वहां उसे एक किताब मिलती है जिस किताब में कुछ जादुई शक्तियां थी। दुकानदार उससे कहता है कि ये जादुई किताब है, इस किताब में जिसका चित्र देख करके तुम सोचोगे वह चीज जिंदा हो जाएगी। राजू उस किताब को अपने घर लेकर आया और अपने खिड़की से बाहर एक पेड़ को देखा और उत्साहपूर्वक उसने उस पेड़ को जिंदा करने की इच्छा जाहिर की। देखते ही देखते वह पेड़ जिंदा हो गया, जो कि बहुत ही दुष्ट पेड़ था। वह एक भूतिया पेड़ था। उस पेड़ ने राजू से कहा, मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा। राजू उससे बचते बचाते अपने दोस्तों के पास गया और अपने दोस्तों से मदद मांगने लगा। फिर उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने का विचार बनाया और उन लोगों ने उस जादुई किताब को नष्ट करने की कोशिश की, परंतु वह नष्ट नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने उसे पानी में डाल दिया, जिससे कि पानी में पड़ते ही वह जादुई किताब नष्ट हो गई और पेड़ भी जलकर नष्ट हो गया। इस प्रकार हमें यह सीख मिलती है कि हमें जादुई शक्तियों का या जादू